WWE में अपने पहले सिंगल्स मैच में धमाकेदार जीत के बाद ब्लड नाइन मेंबर ने तोड़ी चुप्पी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया खास वीडियो। WWE सुपरस्टार टामा टोंगा ने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में एंजेलो डॉकिंस के खिलाफ मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। टामा टोंगा का पहला WWE में पहला सिंगल्स मैच था। अब उन्होंने अपनी इस जीत के बाद सोशल मीडिया के जरिए तोड़ी चुप्पी। टामा टोंगा पूर्व NJPW के सुपरस्टार रह चुके हैं। वो ज्यादातर अपने भाई टांगालोवा के साथ टैग टीम मैच में परफॉर्म किया करते थे और वो 4 बार के NJPW नेवर ओपन वेट चैंपियन रह चुके हैं। टामा टोंगा ने स्मैकडाउन में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के पहले राउंड में एंजेलो डॉकिंस का सामना किया था। अब टामा टोंगा ने इस बड़ी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है। वो इस वीडियो में वाकई ब्लड नाइन मेंबर्स के साथ अरीना में एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैट मॉर्गन ने टामा टोंगा और टांगालोवा WWE डेब्यू के साथ बताई परेशानी। रेसलिंग दिग्गज मैट मॉर्गन ने हाल ही में टामा टोंगा बड़ी परेशानी बताई। टोंगा ने रेसलमेनिया 40 के बाद से स्मैकडाउन के एपिसोड के जरिए अपना डेब्यू किया था। वहीं लोआ ने बैकलैश फ्रांस में ब्लडलाइन के केविन ओवंस और रैंडी ओटन के खिलाफ स्ट्रीट फाइट मैच के दौरान अपना डेब्यू किया था। WWE में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच का ऐलान करने के बाद फैंस में खुशी की लहर। सोशल मीडिया पर आया प्रतिक्रियाओं का सैलाब। WWE स्मैकडाउन के एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को आखिरकार किंग और क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अपना प्रतिद्वंदी मिल चुका है। उनका चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में लोगन पॉल से सामना होने वाला है। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने ब्लू ब्रांड की शुरुआत की। अमेरिकन नाइटमेयर को उसके प्रतिद्वंदी से मिलाया और तभी US चैंपियन लोगन पॉल रिंग में एंट्री की। WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया और दोनों चैंपियन के बीच अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट होने वाला है। इस मैच का ऐलान होने के बाद फैंस में खुशी की लहर देखने को मिली। WWE द्वारा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच का ऐलान करने के बाद फैंस ने कहा, मुझे लगता है कि कोडी रोड्स 1 साल तक WWE चैंपियन रहने वाले हैं। इसी बीच उन्हें प्रतिद्वंदी चाहिए होंगे। लोगन पॉल हर मैच के बाद बेहतर होते गए। मुझे इस मैच से कोई परेशानी नहीं है। WWE को नहीं पता है कि कोडी रोड्स के साथ क्या करना है, लेकिन इस चक्कर में मुझे प्रीमियम लाइव इवेंट में कोडी वर्सेज लोगन वेगर मिलने वाला है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह बेहतरीन होने वाला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल का मुकाबला मैच ऑफ द ईयर की कंटेंशन में होगा।